दोस्तों, बढ़ती उम्र में बालों का सफेद होना या फिर हेयर फॉल होना नेचुरल सी बात है, लेकिन कम उम्र में बालों का सफेद होना या गंजापन चिंता का विषय है और इन्हीं प्रॉब्लम से आज यंग जनरेशन गुजर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा रेमेडी बताने वाले हैं जिसके उपयोग से आप झड़ते हुए बालों को रोक सकते हो, गंजेपन की समस्या से छुटकारा पा सकते हो, सफेद होते और ग्रे होते बालों से छुटकारा पा सकते हो। और दोस्तों, ये रेमेडी बनाना बेहद ही आसान है और ये इतना इफेक्टिव है कि इसका रिजल्ट आपको 7 दिनों के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट नुस्खे पे आते हैं कि इसे बनाना किस तरह से है। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक पैन और इसको गैस पर चढ़ा दीजिए। इसमें आप 1 गिलास की मात्रा में पानी डाल दीजिए। अब इसमें आपको डालने हैं 1 चम्मच मेथी दाने। दोस्तों, मेथी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है, बालों को लंबा घना मजबूत करने के लिए। साथ ही इसमें दोस्तों नेचुरल ऑयल होता है जो हमारे बालों को शाइन देते हैं। मेथी दाने में नए बाल उगाने की और बालों को झड़ने से रोकने का अद्भुत गुण होता है, इससे बाल चमकदार भी बनते हैं। इसमें एक प्रकार का एसिड भी होता है जो कि प्रोटीन होता है और जो बालों का झड़ना बंद करता है और बालों को तेजी से लंबा और घना करता है। मैं आपको बता दूं कि मेथी को आयुर्वेद में काफी खास माना गया है, यह हमारे हेल्थ के लिए भी काफी उपयोगी होता है। इसमें काफी सारे से पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बालों के लिए जरूरी हैं। अब इसमें अगली चीज ऐड करेंगे दोस्तों, वो है 1 चम्मच फ्लैक्सीड्स यानी कि अलसी के बीज। ओमेगा 3 से भरपूर अलसी के बीज स्कैल्प और हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाते हैं, जिससे बालों का लचीलापन बढ़ता है और बाल मजबूत बनते हैं और टूटने झड़ने से बच जाते हैं। साथ ही समय से पहले बालों के सफेद होने की समस्या, ग्रे होने की समस्या भी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, अब इसमें अगला इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है करी पत्ता। हमें यहाँ पे 15 से 20 करी पत्ता डालने हैं। करी पत्ता दोस्तों प्रोटीन और आयरन का अच्छा स्रोत होता है, ये दोनों ही पोषक तत्व बालों के लिए जरूरी हैं। ये बालों को जड़ों से मजबूत कर उन्हें बढ़ने में मदद करते हैं। अब हम इसमें आंवले का पाउडर डालेंगे लगभग 1 चम्मच और इसे हमें लो फ्लेम पर ही रखना है और पानी को तब तक उबालना है जब तक पानी 1/4 गिलास ना रह जाए। इस प्रोसेस में आपको लगभग 5 से 6 मिनट लगेंगे। इन चीजों को उबलने दीजिए ताकि इन सारी चीजों की क्वालिटी पानी में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि पानी की मात्रा कम हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हमें इस पानी को छान लेना है। देखिए, इतनी क्वांटिटी में आपको दिखेगी। इसमें आपको ऐड करना है 3 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई का काफी अच्छा सोर्स होता है। ये सभी हेल्दी सेल्स ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और बालों को चमकदार बनाते हैं। इसे मौजूद विटामिन और फोलिक एसिड बालों के गिरने से रोकते हैं। अब इसमें आपको ऐड करना है 2 चम्मच नारियल का तेल। इसके बाद हमने जो नुस्खा बनाई है उसको हम इसमें डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल हेयर पैक है। ये आपके बालों के हर प्रॉब्लम को ठीक करेगा। बालों का सफेद होना हो या फिर नए बाल उगाना हो, चाहे बालों को स्मूथ व सिल्की बनाना हो, इसका यूज जरूर करना। इसको आप रुई की मदद से भी लगा सकते हैं या ऐसे ही उंगलियों की मदद से लगा सकते हैं। इसको अपने बालों के स्कल्प पर अच्छे से लगाना है और बचे हुए रेमेडी को पूरे बालों के ऊपर लगा लें ताकि बाल स्मूथ व चमकदार हो जाए। फिर अपने बालों को 5 से 10 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद ऐसे ही 2 से 2.5 घंटे के लिए लगाकर छोड़ दें। फिर आप इसको किसी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। आपको ऐसा वीक में 3 दिन करना है। ऐसा आपको 1 महीने तक करना है। आप देखेंगे कि आपके बालों का गिरना बंद हो जाएगा, सफेद बाल काले होने लगेंगे, साथ ही स्मूथ व सिल्की हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सफेद बालों और झड़ते हुए बालों की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ये जानकारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स कर बताना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करते जाना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।